पार्टी का दुनिया सही नहीं रहेगी किसी पार्टी में। जो पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है, एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पर आप समझने पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। देखिए जो घटना घटी है कार्रवाई की जा रही है, गलत तो गलत कहेंगे, जो भी घटना किया गलत किया है, जो भी किया होगा वो बचेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। आपको बता दें पवन सिंह को बीजेपी वाले ने आसनसोल से टिकट दिया था, वहीं पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं काराकाट सीट से। आपको बता दें कि आज बीजेपी वाले ने अपने पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया है। वहीं पर बिहार मंत्री जमा खान ने कहा है पवन सिंह को लेकर, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो कहा है कि जो पार्टी फैसला करेगी वही होगा, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि पवन सिंह खुद आसनसोल से पीछे हटे थे और निर्दलीय चुनाव काराकाट से लड़ रहे थे। और आगे इन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में सुनिए। जो पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है, एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पर आप समझने पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। ये जमा खान की छपरा की घटना को कैसे छपरा में जो घटना है, देखिए जो घटना घटी है कार्रवाई की जा रही है, गलत तो गलत कहेंगे, जो भी घटना किया गलत किया है, जो भी किया होगा वो बचेगा नहीं। उसकी जांच चल रही है, जांच होगी और इस सरकार में आप जानते हैं कि कोई बचता नहीं, कोई भी हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम झूठों का सरदार, तो भी बोले हैं भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जानते ही हैं कौन क्या बोलता है। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, समय बता देगा। बिहार में 40 से 40 चुनाव जीत रहे हैं, उधर हम नहीं बोलना चाहते, आलोचना नहीं करना चाहते, चूंकि चुनाव का मामला है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसे क्या जानते हैं। अपने मुंह से कहना कहते रहे, मुंह से कहने से होगा, समय बताएगा, जनता ना देखते, जनता ना फैसला लेती है। योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं नाना। हाँ, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो नाना पटोले जिस तरह का बयान दे रहे हैं, कौन कर रहा है नाना पटोले कांग्रेस के? मैंने सुने हैं, अगर करते होंगे तो आप समझ रहे हैं, जो अभी एनडी रहेगा तो कुछ भी कह सकता है, कुछ लोग पक रहा है, जब 4 तारीख आएगी आप उधर सामने आ जाएगा, जनता का फैसला वो देख लेंगे। तो जैसा कि आपने सुना पवन सिंह को बीजेपी वाले ने निष्कासित कर दिया है, वहीं पर अब आपको ये भी बता दूं कि पत्रकारों ने जब उनको सारण को लेकर सवाल किया कि जो सारण में जो कांड हुआ है, जो गोलीबारी हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, उस पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी करेगी सरकार फैसला करेगी, क्योंकि जो भी ये लोग गलत कर रहे हैं उसका फैसला सरकार करती है, बहुत अच्छे तरीके से करती है, कोई बचने वाला नहीं है। बाकी इन सब मुद्दे पर आप सबकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।